Let's rock together with Fahad love awesome. All right वेलकम welcome back once again. Thank you so much for tuning in to Power Radio FM 99 Double नाइन डबल थ्री इस वक्त हम live radio पर भी हैं और live हम Facebook पर भी हैं और live हम YouTube पर भी जा रहे हैं जबरदस्त आज मैंने सोचा भाई आज मेरे पास studios में एक जबरदस्ते filmmaker आ रहे हैं तो जरा बाल बना ले जरा style मार ले जरा अच्छी वाली घड़ी पहने शायद मुझे अगली movie या documentary में कास्टिंग कर ले क्या ख्याल है होता है भाई कि फिल्म आ रहा है तो थोड़ा सा होता है कि भाई सुन रहे हैं पावर रेडियो एफ एम नाइन्टी नाइन इस्लामाबाद से मैं हूँ और जय फ अबासी आर लाइव ऑन फेसबुक अगर इस नशस्त को और आज के सेशन को आप लाइव देखना चाह रहे हैं इंजॉय करना चाहते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो कि आप तक नहीं मालूम या अब तक आपको नहीं पता उसके बारे में जानना और देखना चाहते हैं सो वाई डॉन यू हैड ऑन है टूअर्ड्स यूट्यूब पेज पावर नाइनटी नाइन डॉट लाइव क्योंकि हम यूट्यूब पर भी लाइव है और हम फेसबुक पर भी लाइव हैं बहुत बहुत शुक्रिया जनाब पाकिस्तान में इस वक्त अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसी मेन स्ट्रीम मीडिया है फिल्मेकर्स का जो है वो भरमार है बहुत सारे ऐसे फिल्म मेकर्स हैं सिनेमाटोग्राफर्स डायरेक्टर्स हैं प्रोड्यूसर्स हैं प्राइवेट हाउसेज हैं जो कि अच्छी खासी फिल्में बना रहे हैं लेकिन वो हैवी बजट मूवीज होती हैं लेकिन वो बड़ी मेन स्ट्रीम होती हैं कमर्शल होती हैं और सबसे ज्यादा तो वही होती है कि पैसा वसूल तरह की मूवी हो ब्लॉक हो लोग उन्हें देखने को आए लेकिन पाकिस्तान में इतनी बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि अभी तक लोगों को उनकी रूदात के बारे में कुछ नहीं मालूम वो हार्ड टू रीच एरियाज़ हैं वो फार फ्लंग एरियाज़ हैं वो ऐसी ऐसी सकाफतें हैं कहानियाँ हैं मौसी है ज़ुबाँ हैं मौसीकी को बजाने वाली धुने और मौसीक़ी के ऐसे आलात मौजूद हैं इस वक्त भी हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में जिसके बारे में मुझे आपको बहुत सारे लोगों को नहीं पता अनएक्सप्लोर्ड वो हैं अनडिसकवर्ड है इस तरह का कुछ ट्रैजर जो है वो हमारे पूरे मुल्क में इस वक्त मौजूद है

आपका शुक्रिया आपकी टीम का शुक्रिया और पावर 99 का शुक्रिया मुझे इनवाइट किया और मुझे हमेशा से ही जो है वो रेडियो से एक और तरह की मुहबत है हाँ, हाँ। क्योंकि मैंने जब अपने कैरियर का के स्टार्ट किया तो मैंने जो है बेसिकली शुरू में जो है वो साउंड एडिटिंग की सो आई आई मीन मोर और वो जो आवाज के साथ एक आपने कहानी बनानी होती है मॉड्यूलेट करनी होती है हाँ। उसका जो एक आई मीन वो आपने सिर्फ फीलिंग के साथ खेलना है और उस फीलिंग के साथ आपने किस तरह से खेलना है कि उसका वो इम्पैक्ट

फॉर दिस इन्विटेशन एंड आई एम लुकिंग फॉर्वर्ड के हमारी ये जो गुफ्तगु है और uh, हम जो आज फिल्म को लेके बात, करे, बात करेंगे इससे जो uh, जो और जो सीखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं या जो जिनको इंस्पिरेशन चाहिए हमारे लेके हमारी <laughs> so 99 के और हमारे जो सीई ओ साहब है नजीब अहमद साहब उन्होंने जिस तरीके से आपको एक टूर दे दिया हमारे पूरे ऑफिस का वो भी आपको मजा आया होगा अच्छा जवाब सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन विनिंग द अवार्ड और पी एस का अवार्ड आपको जो है वो मिला है और लेटेस्ट ही आपको पी एल का अवार्ड जो है उसे नवाजा गया थोड़ा सा उस अवार्ड के बारे में भी बताइए और हमारे जो इस वक्त हमें लाइव फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं आप साथ साथ वो भी फुटेज देख रहे होंगे और मेरी टीम जो है वो मेहनत कर रही है कि आपको वो भी दिखाई जाए कि, कि किस तरीके से जवाब को जो है वो पी एस एल हीरो पी एस एल में कहा पी एस एल वाली जर्नी भी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है लेकिन मैं इसके एक बैकग्राउंड में आता हूँ जब मैंने के टू इनविजिबल फुटमैन बैक इन ट्वेंटी की। और वो फिल्म थी पाकिस्तान में जो पोर्टर्स हैं जो केटू के टू बेस कैंप के ऊपर जो है वो डिफरेंट एक्सपडिशन के साथ जाते हैं नेपाल में उन्हें शेरपास कहते हैं तो उसको हमने फ़िल्म किया और उसके साथ हमने के टू को फ़िल्म किया हमने बेस कैंप के ऊपर जो है वो चालीस दिन गुजारे और वो जो जो पूरा एक्सपीरियंस था उसको जब हमने फ़िल्म किया फ़िल्म रिलीज़ हुई उसको पाकिस्तान में जो पज़ी मिली और उसके बाद जो है दुनिया में उससे जो पज़ीराई मिली अभी तक वो फ़िल्म एक सौ दस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स से ज्यादा जाद, अभी फेस्टिवल्स में जा चुके हैं और कुछ जो फोर कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें डिफरेंट कंट्रीज में उसकी स्क्रीनिंग्स हो चुकी हैं इट्स नो अभी भी उसकी रही है और हमने कोई फिफ्टी प्लस हमने जो है वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स इंक्लूडिंग हमने uh, इंडिया में जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हमने जो है वो अवार्ड जीते हैं जबरदस्त और uh, जो इस बात की जो है वो तस्दीक करते हैं कि पाकिस्तान में कहानियाँ किस तरह छुपी हुई है hmm. पाकिस्तान में जो खूबसूरती है hmm. वो कहाँ छुपी हुई है hmm. और उनको किस तरह से सामने लाया जा hmm. सकता है hmm. लेकिन मैं कमिंग बैक टू पी एस एस इज सो बेसिकली मैं कनेक्ट करना चाह रहा था कि अपने मुल्क में आके hmm. जो वो पजीराई मिलना Haan. या उस एफर्ट का एक्नोलेज करना जो है वो uh, वो फीलिंग ही अलग है हाँ, वो वो बड़ी खुशी शुक्र है कि क्रिकेट जो एक डिपार्टमेंट है उनको ख्याल आया कि फिल्म मेकर्स को जो कि फनुनी लतीफा से जुड़े हुए उनको एक्नोलेज किया जा बिल्कुल यानी कि जो बेसिकली और दूसरे चूंकि क्रिकेट में तो वैसे ही जनरली हमारे मुल्क में काफी ज्यादा हाइप है हम बचपन में खेलते हैं भी खेलते हैं हाँ। तो उसके साथ जो बाकी जो शोबे हैं जिनमें लोग जिन्होंने बड़ी अच्छी जो कारदगी जो है उन्होंने दिखाई है बड़े टैलेंटेड लोग हैं लेकिन उनको उस तरह से वो पज़ीराई मिल नहीं रही होती सो आई एम रियली ग्लैड कि ये जो पी का जो ये इनिशियेटिव है इन्होंने ये इनिशेटिव लिया और इसमें जो है वो आ, उन 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 टैलेंटेड लोगों को जो है वो एक्नॉलेज किया जिनको जो है जनरली उस तरह से जो है किसी कमर्शियल प्लेटफॉर्म के ऊपर पज़ीराई नहीं मिल रही होती जबरदस्त कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन कि आपने इतना ज़बरदस्त तरीक़े से अवार्ड जीता है और बड़ी खुशी होगी अवार्ड्स की तो लिस्ट जो है माशाल्लाह से उसकी काफ़ी अच्छी खासी तवील लिस्ट है उस पर भी बात करेंगे लेकिन गोइंग बैक लिसनस आज मेरे साथ अवार्ड विनिंग जो है वो फिल्म मेकर मौजूद है जवाज शरीफ आई एम सो तो हैप्पी कि इतने सारे मुख्तफ यूनिवर्सिटीज़ में हम कवर कवरेज के लिए जाते हैं प्रोमोशनल वीडियोज़ करते हैं लोग मेरे स्टूडियो में आते हैं मैं उनसे इतने ज़्यादा जो है वो इंटरव्यूज़ करता हूँ अक्सर जो कि मीडिया साइंसिस के स्टूडेंट्स हैं फिल्म ंग के हैं आए दिन उनसे मेरी मुलाकात होती है देआर सो थर्सटी और वो इनके अंदर इतनी चाह है फिल्म मेकिंग को जानने परखने सीखने लर्न करने की लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो नहीं होते कुछ ऐसे तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो उनको मौका नहीं मिल पा रहा लेकिन जवाब ख़ुद जो है वो इसकी एक मिसाल है कि किस तरीके से आगे बढ़े ये भी जर्नी हम जानेंगे जवाब फिल्म मेकिंग क्या है बहुत ही एक आसान सा सवाल कि वाट इज़ फिल्म मेकिंग और पाकिस्तान में फिल्म मेकिंग किस तरीके से हो रही है अच्छा फिल्म मेकिंग ये बड़ा आसान लेकिन बड़ा दिलचस्प एग्जैक्टली exactly. और उसकी वजह यह है कि हर इंडिविजुअल के लिए शायद इसकी डेफिनेशन मुख्तलिफ है सो मैं जब फिल्म मेकिंग को पर्सनली देखता हूँ तो मेरे लिए इट्स मोर अबाउट के एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन है जिसमें जो कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ जो बात मैं करना चाहता हूँ मैं वो बात उस मीडियम के थ्रू जो है मैं कर सकूँ और मुझे हमेशा से ये लगता है कि फिल्म इज़ मोर अबाउट इट्स मोर अबाउट लाइफ ये पूरी एक एक ज़िंदगी है ये एक पूरी आपकी जो है वो सोच है कि आप जो है वो आ, आ, अपने आसपास जो आपके जो सिचुएशंस हैं इवेंट्स हैं लोक हैं सब्जेक्ट्स हैं आप उनको किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं उनको किस तरह से देखते हैं और उसमें से वो कहानियाँ किस तरह आप सामने लेके आते हैं एक कुछ दिन अभी रिसेंटली मैंने एक यूनिवर्सिटी में एक वर्कशॉप दी तो आ, बड़ा एक बच्चे ने सवाल किया कि कौन आ, सी यूनिवर्सिटी में नाम भी ले लो यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी लोर्सिटी उसमें वो एक बच्चे ने सवाल किया कि मेरे पास फिल्म की डिग्री नहीं है मैं बीएस का स्टूडेंट हूँ तो क्या मैं फिल्म मेकर बन सकता अरे वाह आई लाइक like बिल्कुल हाँ। और और आप इस वजह से बन सकते हैं मैं खुद मेरा भी बैकग्राउंड जो है वो कंप्यूटर साइंस से है लेकिन थिंग इज फिल्म इज ऑल अबाउट पैशन इट्स ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग इट्स ऑल अबाउट अर्ज टू टेल स्टोरी कि, passion, कि आपकी जो है ना वो आपके अंदर वो जो एक आग है ना हाँ। वो आग का होना बड़ा इम्पोर्टेंट है हाँ। और जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो आप इजीली जो है वो आप सीख सकते हैं तो so, सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपके अंदर जो है वो आग लगी हो वो आप इतने पैशनेट हो कि अपने अपनी कहानी को लेके अपने सब्जेक्ट को लेके और अपनी जो है वो फ़िल्म को लेके कि आप उसको दुनिया तक लाना चाहते हो जबरदस्त वंडरफुल जवाद शरीफ आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है अच्छा जवाद ने उन उन लिसनर्स प्रोजेक्ट्स पे या उन उन थीम्स पर काम किया है कि जो अक्सर हम बड़े निगलेक्टेड होते हैं इन्वामेंट हो गया ह्यूमन राइट्स हो गया मेरी आज से तकरीबन कुछ अर्सा पहले जवाद से एक जो है वो एक ऐसे इदारे में मुलाकात हुई थी उनके तवसत से मुलाक़ात हुई थी जो कि इंसानी हक़ूक़ बिलखसूस मार्जिलाइज कम्यूनिटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं और उसमें ही हमारी मुलाकात हुई जब मैंने को देखा बात की तब भी ही वॉज डूइंग सम वंडरफुल प्रोजेक्ट्स अच्छा जवाब थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में भी यू स्टार्ट फ्रॉम और फिर थोड़ा बिकॉज मैं इस वक्त चाह रहा हूं कि ये जो प्रोग्राम आज का हो जाएगा और फिर ये हमारा सेव फेसबुक और यूट्यूब डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चला गया तो एनी बडी कैन रिटर्न बैक एंड लर्न और एटलीस्ट लिसन के स्टार्ट कहाँ से किया वो जो चैलेंजेस अब हर कोई जिससे भी हमारी मुलाकात होती है या वैसे भी आ, कहते हैं कि बस क्विक चीज़ें जो है ना वो मिल जाए जैसे आपने कहा कि आपने रेडियो या इसमें एडिटिंग के साउंड एडिटर के तौर पर काम करना शुरू किया एम श्योर sure कहीं पर वॉल्टियर काम भी किया होगा कहीं पर इंटर्नशिप्स भी की होंगी सो वेयर डिट यू स्टार्ट फ्राम फिर हम बात करेंगे स्विडिश इंस्टीट्यूट के बारे में भी और जो आपकी स्कॉलरशिप थी वो और फिर हम अवार्ड्स की तरफ भी जाएंगे सो so बेसिकली uh, मेरा जो स्टार्ट था जैसे मैंने कहा कि मेरा कंप्यूटर साइंस से था लेकिन मुझे शुरू से ही शौक था कि मैं जो है वो म्यूजिक की तरफ विजुअल uh, 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 जो बेसिकली फोटोग्राफी uh, इस तरफ मैं आऊं तो मैंने जब जिस वक्त मैंने अपना जो आगाज किया तो मैंने वेब के ऊपर जो है वो कार्ड्स वगैरह बनते थे तो उसके बैक एंड पे साउंड वगैरह देनी होती थी दैट वाज वेरी लिमिटेड तो मैंने वहाँ से आगाज़ किया फिर मुझे लगा कि नहीं ये वेब का विजुअल लिमिटेड है मुझे किसी तरह टीवी में जाना है एंड देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि पी टी वी में आ, आ, तारिक मराज साहब थे बेसिकली hmm. डायरेक्टर और कंवल मसूद थी भरात hmm. अनवर साहब थे भिल्कुल. तो मुझे इन लोगों के साथ जो है थोड़ा सा काम करने का सीखने का मौका मिला और फिर इसी तरह एक और प्रोजेक्ट है उसमें मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और फिर मैं लाहौर चला गया वहाँ पे मैंने जो है वो बेसिकली बाड़ी स्टूडियो में और एवरन्यू स्टूडियो में जो है वो कुछ फिल्म्स में क्या बात है एवरन्यू का तो बहुत बड़ा नाम है लॉलीवुड में कुछ जो डायरेक्टर्स हैं मैंने उनके साथ जो है वो काम किया सो इट वॉज अ होल प्रोसेस और उस वक्त मुझे लगता है कि शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग उतनी डेवलप भी नहीं हुई थी सो आई वॉज लाइक के बस मतलब फिल्म बनानी है फिल्म करनी है लेकिन वो बिल्कुल एक एलूजन सी थी लेकिन जिस वक्त uh, मैं इस पूरे प्रोसेस से गो थ्रू किया जिस तरह राव खालिद साहब थे लोक विरसा के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चरल स्टडीज उस वक्त उन्होंने शुरू किया था अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ होगी सो so, uh, राउफ खालिद साहब के साथ जब uh, उनको ड्रामा में मैंने असिस्ट किया और उनके साथ वक्त गुजारने का मुझे मौका मिला तो उसमें मैंने जो है उस पूरे प्रोसेस को बहुत ज्यादा सीखा सो इट वॉज आई मीन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा डाइवर्स रहा वो चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हों जो बिल्कुल एक डिफरेंट माइंड सेट के साथ आते हैं या चाहे जो है एक बिल्कुल एक डिफरेंट ड्रामा इंडस्ट्री के लोग हैं जो कि एक और माइंड सेट के साथ आ रहे हैं हैं और फिर बीच में टीवी के लोग हैं तो इन सब के साथ जब मैंने एक वक्त गुजारा Uh, इसी तरह बीच में एक चैनल था uh, जो uh, शुरू हुआ उसका मॉर्निंग शो का मैं प्रोड्यूसर रहा बैक इन टू थाउजेंड नाइनबर ठीक है।, है तो मतलब इस तरह बड़ा एक डाइवर्स मैंने जो है hmm. वो प्रोजेक्ट किया और उसके बाद आई डिसाइडेड कि मुझे शायद जो मैं करना चाह रहा हूँ मुझे वो वो एक्सप्रेशन जो है उसका uh, उसको बताने का उसको दिखाने का मौका नहीं मिल रहा hmm. तो उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि मैं जो है ना खुद अपना प्रोजेक्ट करता हूँ तो मैंने Uh, मुझे याद है मेरे uh, कुछ जो कोलीग्स थे और स्टूडेंट्स थे उनके साथ मैंने मिल के मैंने अपना पहला जो है प्रोजेक्ट किया था नून मीम राशिद की हुँ. एक नर्स में हसन कुजागर क्या बात तो है? मैंने हसन कुजागर को जो है वो विजुअली जो है हुँ. उसको कैप्चर किया और उसको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की दैट वॉज माई फर्स्ट प्रोजेक्ट लेकिन ये कि

बेसिकली फिर उसके बाद मैंने एक और टीवी सीरीज है नब्स मैंने वो की टेली फिल्म्स की कुछ शॉर्ट फिल्म्स की मैंने लेकिन एवेंचुअली जो है मुझे लगा आ, और फिर मैं इसमें जो है वो शिफ्ट करता रहा मैं कभी लाहौर में रहता था कभी कराची में रहता था और इस्लामाबाद में आ जाता था जब काम होता था तो इस पूरे प्रोसेस से एवेंचुअली आई डिस्कवर्ड कि शायद जो स्टोरी टेलिंग मुझे करनी है या जो बात मैं कहना चाहता हूँ तो मुझे शायद उसका इन मीडियम्स के अंदर वो स्पेस नहीं मिल रहा right. और मुझे खुद एक जो एक फ्रीडम है जो नैरेटिव में मुझे चाहिए तो वो शायद इस तरह नहीं मिल रहा वो किस तो तरह का नैरेटिव था उस टाइम दो की अगर बात करें नव लाइफ जो है उसको एज ए बतौर डायरेक्टर आपने बनाया कि वो लोग जो अगर आपके जो अपने हैं प्यारे बिछड़ जाएं बॉम्ब ब्लास्ट में या इस तरह की कोई इसकी स्टोरी जी, थी जी 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 बिल्कुल बिल्कुल इस तरह का आपने काम किया फिर आपने दूसरा काम जो किया बियॉन्ड द हाइट्स 2014 में आपने किया बियॉन्ड द हाइट्स वाज अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो कि आपको पाकिस्तानी यंगेस्ट फीमेल माउंटेनियर के बारे में बताती है जो कि माउंट एवरेस्ट उन्होंने क्लाइम किया और शमशाल और उस तरह की उस इलाक़ों में वो गई लेकिन वो जो एक फीलिंग है कि मुझे वो फ्रीडम नहीं मिल रही वो मैं जानना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए और इस वक्त जो एस्पायर कर रहे हैं कि वो किस तरह की फीलिंग आ रही थी कि मुझे फ्रीडम नहीं मिल रहा मुझे अपना ख़ुद का काम करना है अच्छा बेसिकली ये बड़ा आ, एक दिलचस्प सवाल है कि वो फ्रीडम जो है वो हो सकता है कि हर इंडिविजुअल के लिए जो है मुख्तलफ होगा कि उसको क्या फ्रीडम चाहिए मेरे लिए ये था कि फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह ये नब्स की आपने बात की ये टेलीफिल्म है और ये इसके अंदर जो ट्रीटमेंट थी उस वक्त हमने जो कैमरास यूज़ किए जो उसकी आर्ट डायरेक्शन की और जो सब कुछ किया तो मुझे लगा कि टीवी पे वो उस तरह से एक्नॉलेज नहीं हुई तो और उसको ये कहा गया कि ये तो बड़ा एक सिनेमैटिक स्टाइल है और टीवी में तो बड़े क्लोजअप शॉट्स चाहिए इस तरह के शॉट्स चाहिए सो so एक तो ये चीज़ थी मुझे लगा कि जिस तरह की मैं एक्सपेरिमेंटल फिल्म करना चाहता हूँ तो शायद टी उसका मीडियम नहीं है तो उसके लिए मुझे शायद बड़ी स्क्रीन चाहिए अब बड़ी स्क्रीन पाकिस्तान में कमर्शियल सैनिमा के अंदर एंटर करना इट्स रियली डिफिकल्ट और एक और दूसरी वजह यह है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री उस तरह से नहीं है हमारे यहाँ उस तरह से फिल्म्स नहीं बन रही और बैक इन 2010 जिस वक्त मैंने जब मैं कर रहा था काम तो उस वक्त तो बिल्कुल इक्का दुक्का साल में कोई फिल्म आ जाती थी आ, या वो भी नहीं आती थी तो हमारे यहाँ उस तरह से इंडस्ट्री नहीं थी तो देन आई फाउंड आउट कि मुझे शायद डॉक्यूमेंट्री की तरफ जाना चाहिए हुँ, हुँ. और वहाँ से फिर मैंने ये पहली कहानी जो बियॉन्ड बियॉन्ड द द हाइट्स हाइट्स है हाँ. समीना बेग फर्स्ट फीमेल माउंटेनियर बिन्ड दाइट्स हाँ. माउंट एवरेस्ट इन पाकिस्तान तो मैंने उसको डिफरेंट एक्सपेडिशंस पे फॉलो किया सो व्हाट आई डिड लाइक इन डॉक्यूमेंट्री में चूँकि आपको आर्टिस्ट नहीं चाहिए आपको लोकेशंस उस तरह से नहीं चाहिए और आप रियलिटी को कैप्चर कर रहे हो तो उसमें जो है वो फिर मुझे लगा कि मुझे कैमरा एंड आई जस्ट है जो मेरे दिल में आ रहा है, है। तो लैंडस्केप और, और उसके अंदर मूड्स उसके अंदर जो है वो चैलेंज एडवेंचर सब कुछ था तो मैंने उसको फिर अपने बिल्कुल एक मुझे याद है मैं बिल्कुल अकेला था हाँ वही मैं पूछने वाला था कि ये जब कैमरा पकड़ी और चले गए तो अकेले थे या कारवां था साथ नहीं नहीं, नहीं मैं तो ऐसे आई मीन के एक्सपेडिशन के लोग थे लेकिन आई वॉज अलोन ठीक तो है। मैं मैं अपने उस स्पेस के अंदर फिल्म करता रहा फिर उधर से मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई बेस कैंप हम स्पेंटिक बेस कैंप गोल्डन पीक उसको कहते हैं तो बेस कैंप के ऊपर मैंने कुछ रातें जो है वो त, तन्हा गुजारी तो वो जो फीलिंग थी कि हवाएँ आ रही हैं और एकदम जो है वो बिल्कुल जो है वो ऐसे एक 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 वे के अंदर जो एक पूरी एक जो कैफियत होती है और फिर वो आइसोलेशन कि आप दुनिया से बिल्कुल डिसकनेक्टेड हैं कोई आपका नेटवर्क नहीं है सिग्नल्स नहीं है कुछ नहीं है सो यू आर कनेक्टेड टू योर सेल्फ यू नो कि आपको वो स्पेस मिलता है मिलता है बिल्कुल आ, अभी जो आ, जो बात आप कर रहे हैं स्टूडेंट्स वाली तो मुझे एक चीज़ आ, बड़ी ये फील होती है मैं अपनी उसको कहानी को ब्रेक करके मैं इससे भूल जाऊंगा कि हमें शायद जो है ना हमने हमारे यहाँ जो स्पेसिफिकली uh, जो जो मेरी जनरेशन है या जो भी जनरेशन जी है तो मुझे लगता है कि शायद हमने सोचना छोड़ दिया हमारा थिंकिंग प्रोसेस जो है ना वो बड़ा लिमिटेड हो गया मुझे ये लगता है कि हम शायद हम शायद खुद से कनेक्ट ही नहीं कर पाते हम एक ऐसी रेस का हिस्सा बन चुके हैं उस के उससे हमें जो है ना हम हम इधर उधर झांकने की कोशिश ही नहीं करते हम अपने अंदर देखने की कोशिश नहीं करते और मैं जब इससे ड्रामा इंडस्ट्री से निकला तो उसकी वजह भी ये थी कि एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ दूसरा प्रोजेक्ट ट्रक के पीछे आ, वो वो उस बत्ती के पीछे आप ऐसे हैं कि आपकी अपनी जो बत्ती है वो बंद होगी ठीक है ना आपका वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ही उसमें से लिमिटेड रह जाता है खत्म हो गया तो मुझे ये लगता है कि ये ठहराव होना और ये जो जो अपने लिए जो वक्त निकालना है ख़ुद को समझना ऐसन आर्टिस्ट फिल्म मेकर चाहे आप किसी भी तरह का जो है वो आ, काम कर रहे हो लेकिन सबसे पहले ख़ुद को समझना जो है ना बड़ा इम्पॉर्टेंट है अपनी अपनी ज़ात के साथ कनेक्ट होना बड़ा इम्पोर्टेंट है जो कि आज की जो आ, जो जनरेशन है उसमें मुझे ये एलिमेंट बड़ा जो है वो मिसिंग लग रहा है और मुझे लकीली वो एलिमेंट वो स्पेस मिलता रहा बिकॉज ऑफ माई प्रोजेक्ट्स और मैं जिन जगहों पे मैं जाता था वैसे ही मैं टेक्नोलॉजी इन चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो जाता था hmm. तो मुझे ना वो ठहराव वो एक एक, एक, एक सम हाउ वो एक स्पिरिचुअलिटी जो थी ना मैं उसके साथ कनेक्टेड रहा हाँ और उसने जो है ना मुझे वो आ, मेरे अंदर जो वो जो आग थी उसको भी बुझने ना दिया क्या बात है और मैं तो खैर आपको काफ़ी अरसे से जानता हूँ तो आपकी शख्सियत से मैं भी वाक, बखूबी वाकफ़ हूँ कि बड़े नफीस से हैं धीमे से हैं माठे से कुछ लोग होते हैं ना आपके ग्रुप में एक जो मेरी तरह हो वो शोर शराबा करें और एक जो है जवाब जो है वो खामोशी यहाँ बिठा दो यहाँ बैठ जाए वहाँ बैठा तो कुछ पेश कर तो वो खा लेंगे कोई जो है वो फिक्र नहीं तो इस तरह के जो लोग होते हैं एंड आई थिंक फ़नूनी लतीीफ़ा एक ऐसा एक सेक्टर है कि जिसमें इस तरह के लोग जो हैं जो कि चीज़ों को समझ सकें जो अपनी सोच रख सकें अपने दिल की बात कर सकें अपने अंदर जो है झांक सके वही आगे फिर चलते हैं हाँ ये बड़ा देखें मैंने यही बात किया कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है देखें ऐसा नहीं है आई I मीन mean कि आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट भी हो सकती है इट्स मोर अबाउट कि जो ओरिजिनलिटी है ना वो वहाँ पे रहनी चाहिए हुँ। जो आ, हम जो मिस कर जाते हैं हम लगते हैं हम ट्रेंड्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं चाहे वो आ, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है चाहे हमारी वो सोशल मीडिया है या जो भी जो प्रोसेस है तो हम उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने अंदर की जो बात है उसको बाहर लेके आए राइट right, बिल्कुल अपनी जो ओरिजिनलिटी है अपना अपनी जो प्योरिटी है उसको अपने हमने काम में लेके आना है और इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, है कि आप खुद अंदर से प्योर हो एग्जैक्टली exactly क्योंकि तो अगर आप प्योर होंगे तो वो ही स्क्रीन पे दिखेगा दिखेगा तो, हा, 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 बिल्कुल बिल्कुल जनाब इतनी प्यारी प्यारी बातें भी फिल्म मेकर्स कर लेते हैं मुझे पहले नहीं पता था हमारे साथ आज अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर जवाद शरीफ मौजूद है स्टूडियोज में आप हमें लाइव इस वक्त फेसबुक पर भी सुन रहे हैं रेडियो पर भी सुन रहे हैं इफ यू वॉन्ट टू गिव मी अल वाई नॉट वैसे सोचा नहीं था कॉलर्स को भी हम जो है एंटरटेन करें लेकिन दिल में बात आई कि कॉलर्स को भी कहते हैं कि अगर आपने कोई फिल्म मेकिंग के हवाले से या जवाब ने अब तक कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्रीज़ हर चीज़ जो है इनके वेबसाइट पर और इनके यूट्यूब चैनल पर भी और हर मुख्तफ प्लेटफॉर्म पर मौजूद है हम तो चाहते हैं हम पावर नाइन्टी नाइन के स्टूडियो में या हमारे इदारे का यही मकसद है कि वह जो हिडन टैलेंट है उनको ज़रूर लेकर आए दुनिया भर के जब एवॉर्ड्स मिल जाते हैं दैन वी रियलाइज ओ हो ये हमारा ये तो साधा है लेकिन वैसे जब वो कर रहे होते हैं अनसंग हीरोज़ होते हैं तो उनको हम क्यों ना बात करें 2015 में के टू द इनविजिबल फुटमैन उसके बारे में बताइए कि ये क्या एक ज़बरदस्त सी जो अवार्ड विनिंग फिल्म आपने बनाई डॉक्यूमेंट्री थी जल्दी से उसके बारे में बात करेंगे फिर आगे चल रहे हैं क्योंकि आगे जो लिस्ट है ना बड़ी इंटरटेनिंग है सो बेसिकली केटू एंड द इनविजिबल फुटमैन का जो कोर uh, आइडिया था वो मुझे ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ बियॉन्ड दी हाइट्स मैंने बनाई जो कि मैं ट्रैवल हाइक करता रहा डिफरेंट माउंटेंस uh, पे गया बेस कैंप्स पे जो है मैं गया तो उसमें मैंने देखा कि हमारे जो पोर्टर्स हैं इनकी एक बड़ी कहानी है और इसको किसी भी तरह एक्नॉलेज नहीं किया जाता और फिर मुझे लगा कि हम लोग बड़ा डिसकनिक्ट है हमें पता ही नहीं है कि यार हमें पता हो कि नॉर्थ में हंडजा जाना है और हमने वो अलतित बलतित फ़ोर्ट देख के वापस आ जाना है या हमने इस में जो है वो आ, शिगर फोट से होके आ जाना है बट वी डोंट नो कि यार यहाँ पे जो रहने वाले जो लोग हैं और वो लोग स्पेसिफिकली जो बिल्कुल आखिर के विलेज में रहते बिल्कुल, बिल्कुल और उनका जो सर्वाइवल है वो क्या है उनकी जिंदगी क्या है और वो और उनकी स्ट्रेंथ क्या है तो उसको लेके जो है ये फिल्म थी और इस पे जो पूरा हमें इट अबाउट टू ईयर्स टू कम्प्लीट द फिल्म हम ट्वेंटी में जो है वो के टू बेस कैंप जो है वो गए थे और ट्वेंटी के अंदर बेसिकली एनिवर्सरी भी थी केटू uh, की कि जब जब फर्स्ट टाइम uh, जो uh, सबमिट हुआ था वहाँ पे हा, हा, तो हा, 2014 में को हो, हो हाँ. चुके थे समिट को, 54 से जो है वो uh, 2014 तक सही तो फिर उसमें जो है वो कुछ करेक्टर्स लिए मतलब मेरा ये था कि यार जो जो हमारे साथ जो पोर्टर्स होंगे तो मैं उन्हीं को फिल्म करूँगा ज़बरदस्त तो वही हुआ कि हम बस अस्कोली तक जो है हम पहुँचे और उसके बाद जब हमने अपना ट्रैकिंग शुरू की ये तकरीबन जो है वो सेवन से एट डेज का ट्रैक है लेकिन अगर आप जो है बिल्कुल ही सी लेवल से आ रहे हैं और आप की जो है वो क्लाइमेटाइजेशन नहीं हुई हुई आपका जो है वो स्टैमना नहीं बना हुआ तो ये आप इट टुक लाइक मोर दैन फिफ्टीन डेज है तो खैर मैं तो पहले काफ़ी भागता रहा मैंने अपने आप को क्लाइमेटाइज किया उसके लिए तो द थिंग इज़ कि जिस वक्त हमने वो हाइकिंग uh, और वो ट्रैक हमने जब शुरू किया और मैंने उन पोर्टर्स को फिल्म करना शुरू किया तो मेरा बड़ा कनेक्शन उनके साथ डेवलप हो गया और सबसे बड़ा उनको जो है ना वो मसला आता था वो फ़िल्म में भी अगर आप देखें या उसके ट्रेलर में भी आप देखें ना तो उन्होंने एक स्टेजेस होती हैं हर दिन में आपने दो स्टेजेस कवर करनी है सिंगल स्टेज कवर करनी है या थ्री स्टेजेस कवर करनी है वो स्टेजेस कवर करेंगे तो आप विद इन सिक्स सेवन डेज आप बेस कैंप तक पहुंच okay. सकेंगे नहीं तो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी टाइम वेस्ट होगा मुझे शॉट्स लेने होते थे मैं उनको रोक लेता था अच्छा चाचा चा, चा, एक मिनट एक मिनट मैं ये शॉर्ट जो है ना वो ले लूँ वो कहते थे कि चलो भाई चलो मतलब कितना देर हो गया है ये हो गया वो हो गया तो और फिर उनका जो है ना मतलब उसमें एक बड़ा चैलेंज था कि वो चूंकि उनका तो स्टैमना था वो निकल जाते थे और हम जो है वो एक शॉट लेने के लिए रुके तो इतना पीछे हो गए सो so, मैंने उसको फॉलो करने के लिए उस उसके लिए जो है ना मतलब एक वो बड़ा एक टाइम लगा लेकिन एवेंचुअली उनके साथ एक मेरा कनेक्शन जो है वो बिल्ड हो गया और वो कनेक्शन जो है मैं इसके बाद एक जो कंक्लूजन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और स्पेसिफ़िकली वो स्टूडेंट्स जो डॉक्यूमेंट्री करना चाहते हैं उनके लिए तो एवेंचुअली जब कोई पाँच सात दिन हमने साथ गुजारे वो कनेक्शन बिल्ड हो गया तो उसके बाद मैंने उनको इतना कंफर्टेबल किया कि हम

तो दिखेंगे कि जब वो कनेक्शन जब डेवलप हो गया वो ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो उन्होंने मुझे जो है ना वो वो कंटेंट उन्होंने दिया जो कि ऐसे पॉसिबल नहीं था अरे कि जो आप ऐसे ही जाएं किसी को इंटरव्यू करें और वापस आ जाएं तो उसके लिए आपका कोई भी सब्जेक्ट है कोई भी आप फिल्म कर रहे हैं तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप एक रिलेशनशिप डेवलप करें अपने सब्जेक्ट के साथ आप एक रिलेशनशिप डेवलप करें उस जगह के साथ आप उसके उसको लिव करें जब आप लिव करेंगे वो ट्रस्ट डेवलप करेंगे तो शायद आप उसके सोल को कैप्चर कर सकें अदरवाइज hmm. उसकी रूह को कैप्चर करना जो है वो, वो बहुत मुश्किल बहुत हो मुश्किल होता है फिर एक सतही सी चीज़ बनती है और वो ऐसे ही सतह भी रहती है वो फिर कभी दिलों तक नहीं पहुंचती नहीं पहुंचती जबरदस्त एक और जवाब की जो है वो फिल्म कहें या उसके अलावा एक जबरदस्ती डॉक्यूमेंट्री जो कि दिलों तक पहुंची और जिसको साल 2018 में है मुख्तलि अवार्ड से नवाजा गया और बहुत ही जबरदस्त सी मूवी जिसे आप कहें इंडस ब्लूज के नाम से जिसने जवाद को जो है ना वो शहरत की बुलंद तरीन चोटियों पर पहुंचाया इंडस ब्लूज़ के बारे में बात करेंगे बहुत अच्छी खासी एक तो तवील फहरिस्त है अवार्ड्स की जो कि जवाद ने इंडस ब्लूज की अपनी मेहनत की वजह से इसको नवाजा नवाजा गया जवाद को इनकी टीम को जबरदस्त जवाद को जो है ना वो और अगर हम बात करें इंडस ब्लूज के हवाले से तो इंडस ब्लूज में जो है वो अच्छी खासी जो है वह हमें चीज़ें सीखने को मिली और सुनने को भी मिली कुछ एक ऐसा ही दुनिया पाकिस्तान का आर्ट जो कि पाकिस्तान से आहिस्ता ऐसा जो है खत्म होता हुआ मौसिकी के आलात हों या म्यूजिशियंस हों जो कि उनको बजाते रहे हैं उनसे अब वो चिंता जा रहा है या वो लोग आर्ट्स एंड आर्टिसंस या क्राफ्टमैन जो कि उनको बजाते हैं बनाते हैं जैसे बांसुरी है या सपेरे के पास जो है वो बीन मौजूद होती है ऐसी बहुत सारे जबरदस्त जबरदस्त जो है वो मौसिकी के हालात है उन पर مبनी मूवी 2018 में बनाई गई इंडस ब्लूज जब एक दो दिन तीन दिन का बच्चा हो गया पैदा हो गया तो उसको फिर किसी सांप का जहर होता है उसका आधे कतरे का उसको जो सूती पिलाते तो मॉल भी टैब लोग तो कहते हैं वैसे ही गलत है ये हराम है <laughs> एक दो दिन उसी जहर के नशे में बच्चा सोवा पड़ा रहेगा दूध भी नहीं पिएगा अपनी अम्मी का इंसान की उम्र गुजर जाए ना फिर भी साध नहीं सीख सकता <laughs> फिर हुए बच्चा बच गया तो हम जोगियों का होएगा, बड़ा संपेरा बनेगा और मर गया तो फिर अल्लाह का

मजहब के नाम पुजारी हम प्यार के भूखे प्यासे थे तो थोड़ी सी बात करते हैं इंडस ब्लूज़ के हवाले से क्या डाइवर्स ये आ, फिल्म जो है वो जवाद शरीफ ने बनाई 2018 में बनाया गया और इसको मुझे भी मौका मिला जवाद ने इनवाइट किया था सोजाल दो हज़ार उन्नीस में यहाँ पे जो पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स इस्लामाबाद में जब इसकी फर्स्ट टाइम बिग स्क्रीनिंग हुई और हम गए तो बड़ा मज़ा आया और आई स्टिल रिमेंबर दो की बात है कि जब पूरे वहाँ पर जो ऑडियंस में लोग बैठे थे इट वॉज़ अ पेन ड्रॉप साइलेंस वहाँ पे उस वक्त पिन ड्रॉप साइलेंस है और लोग खामोशी से जो है वो देख रहे थे और अचानक जैसे फिल्म एंड होती है तो फिर दे वॉज अ रोर ऑफ क्लैपिंग और बिग राउंड ऑफ अपलॉज जो है इसको जो है नवाजा इसको दिया गया इंडस ब्लूज की बात करते हैं उसके बाद फिर जवाद की तरफ भी जाएंगे कि जवाब इंडस ब्लूज हैज़ वॉन ग्रैंड जूरी प्राइज़ फॉर क्रिस्टल अवार्ड एट गुआम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अमेरिका बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर इस मूवी को जो है इस वक्त आप हमारे यूट्यूब और फेसबुक लाइव पर भी देख सक रहे होंगे आ, उससे भी इसको नवाज़ा गया उसके अलावा साउथ फिल्म एंड आर्ट्स अकेडमी फेस्टिवल चिली उससे भी नवाजा गया बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर अवार्ड एंड बेस्ट सीमाटोग्राफी अवार्ड एट जयपुर फिल्म फेस्टिवल इंडिया दो हज़ार उन्नीस में विनर ऑफ द गोल्ड अवार्ड एट स्पॉटलाइट डी सी अवॉर्ड और बहुत सारे अवार्ड जो हैं नदरलैंड का हो गया या मेक्सिको का हो गया रोजाना फ़िल्म फेस्टिवल हो गया कितने सारे अवार्ड्स माशा कॉन्ग्रेचुलेशन जवाद इंडस ब्लूज के बारे में बताइए कि जहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया में इस वक्त जो है वो कमर्शलाइजेशन की बात हो रही है ख्याल कैसे आया के मौस मौसी के जो आलत हैं उनको मौसी को और मौसीकी बजाने वालों को और बनाने वालों को जो है उन पर भी फ़िल्म कुछ बनाई जाए अच्छा इंडस ब्लूज जो है ना ये ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरे दिल से काफ़ी करीब है वैसे तो मेरे सारे सब्जेक्ट्स ही दिल से करीब हैं और अगर वो करीब नहीं होता तो मैं फिर उस पर फिल्म नहीं बनाता क्योंकि ये ये Uh, एक बड़ी uh, गहरी बात है कि अगर आपने एक ऐसे सब्जेक्ट के साथ दो तीन चार पाँच साल मेरी फिल्मों को तो पाँच पाँच साल भी लगते हैं गुजारने हैं तो अगर आपको उससे प्यार नहीं है आपको वो इंस्पायर नहीं करता तो आप अपने देखने वालों को या सुनने वालों को कैसे इंस्पायर करेंगे अगर आपको ख़ुद उससे मोहब्बत नहीं है तो इंडस ब्लूज का जो बेसिकली जो ख्याल आया था आ, ये आ, मुझे आ, एक तो आई एम लाइक थोड़ा सा ओल्ड सोल मेरी <laughs> वो है और मैं क्लासिकल और <laughs> फोक इंस्ट्रूमेंट्स तरफ वैसे भी बिल्कुल लेकिन उसके साथ आई फेल्ट के आई uh, मीन uh, I mean हमारे यहाँ जो <laughs> है ये जो म्यूजिशंस हैं <laughs> uh, uh, जो बेसिकली uh, uh, जो क्राफ्ट्समैन मैन भी हैं उनको वो इज्जत नहीं मिलती जो दुनिया में दी जाती है अपने uh, जो मौसीकार है जो फनकार है <laughs> जो क्राफ्ट मैन है उसको जो इज्जत दी जाती है और मैं बड़ा ये ऑब्ज़र्व करता था क्योंकि आई एफ आई एफ ट्रेवल्ड अलॉट मैंने बहुत मुल्कों में जो है वो ट्रैवल किया बिकॉज ऑफ माय फिल्म्स और उसके अलावा uh, अपने स्कॉलरशिप्स के लिए तो uh, मैंने ये चीज़ जो है ना ये बड़ी कमी महसूस की पाकिस्तान के अंदर कि हमारा जो uh, जो आर्ट है वो क्यों मर रहा है उसकी वजह क्या है ठीक है और फिर उसके बाद मुझे इस तरह की जो uh, जो न्यूज़ हैं वो सुनने में मिलती थी कि जो है वो uh, खैबर पख्तूनख्वा में फलानी जगह पे जो है वो जो साज है उनको जला दिया गया ओ, ठीक है अभी आप देखें रिसेंटली जो इवन इन अफगानिस्तान आप इस तरह के केसेस आए हैं कि जो है वो पूरे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको वो जला तबाह कर दिया तो मेरा मेरे अंदर बड़ा ये एक जो है ना मुझे एक एक फ्रस्ट्रेशन होती थी और आ, एक एक दुख होता था कि ऐसा क्यों है मतलब इन ये हम अपने आर्ट को क्यों डिसोन कर रहे हैं हम अपने कल्चर को क्यों डिसोन कर रहे हैं और ये ये पूरी डायनामिक्स हैं क्या तो इसको लेके जो है ये कॉन्सेप्ट इनिशिएट किया और इसको जो है वो फिर जो है वो शुरू किया शुरू में फिर हमने इस पर पूरी रिसर्च की कि पाकिस्तान के अंदर कितने साज हैं कितने साज़ हैं और हाँ। उन, उन 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 साजों को बचाने वाले कितने लोग हैं तो हमारी इनिशियल रिसर्च के अंदर वी फाउंड आउट 24 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और जिसमें से आ, कुछ 13 इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जिनको ना कोई बजाने वाला रहा और ना कोई बनाने वाला रहा ओह oh, और फिर ये कुछ जो सास थे जिनके हमारे पास कॉन्टेक्ट है जैसे बोरिंदो 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 को हमने फिल्म किया बदीन में एक गाँव है सिंध का ये हाँ, मौसी है अब ये छोटा सा विंड इंस्ट्रूमेंट है ठीक है बिल्कुल राउंड मट्टी का बना हुआ एक छोटा सा जो 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 है है वो साज एंड इट्स अ विंड इंस्ट्रूमेंट और इसका इवन मेरे फ्रेंड्स uh, हैं जो composers हैं कंपोजर्स उनको नहीं पता था उन्होंने फिल्म देखी उन्होंने कहा यार जवाद यार इसकी साज की इतनी खूबसूरत आवाज है हाँ। कि ये दिल को छूती है लेकिन हमें आज तक इसका पता है कि बुरिंदो एग्जिस्ट भी करता है तो व्यूवर्स अगर आप हमें जो हमें देख रहे हैं और हमें सुन रहे हैं कभी आपने मौसकी का एक इंस्ट्रूमेंट बोरिंदो जिसका ताल्लुक सिंध से है आपने कभी सुना

सरिंदा और उसका सिर्फ एक, एक प्लेयर ही प्लेयर है ठीक है, सरेदी, है? और वो अपनी कोशिश कर रहा है कि उसका बेटा जो है उसको सीखे, सीखे। लेकिन बेटे की उस तरह दिलचस्पी नहीं और वो सेक्सोफोन ऑफ से वो प्रैक्टिस कर फिल्म भी उसके अंदर हमने दिखाया है उसको सरिंदा को और फिर उसके अलावा हमने जब उसको फिल्म करने की कोशिश की तो कुछ जो एक्सट्रीमेट्स है और किस तरह कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आके आगे नहीं आप ये नहीं करते फिल्म के आगाज में ही होता है ये सीन हाँ। भाई और क्यों नहीं कर सकते ये हमारा कल्चर नहीं है तो वट इज आयर कल्चर हमारी हमारी सकाफत है क्या हमारा यूथ इस क्राइसिस के अंदर है जो बिल्कुल बढ़ चुकी हुई है जिसको ये समझ ही नहीं आ रही कि आ, हमारी रूट्स क्या है हमारा कल्चर क्या है और दुनिया में उन कौमों का क्या हाल होता है जो अपने कल्चर को डिसोन कर देती हुँ, हैं हुँ, अपने अपने फनकारों को डिसोन कर देती हैं अपने थिंकर्स को डिसोन कर, कर देती बिल्कुल। हैं बिल्कुल अपनी जो बेसिकली जो सकाफत है उसको डिसोन कर देती हैं तो और ये हो रहा है इस वक्त अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है और ये फिल्म जो है इंडस ब्लूज भी सिर्फ उसी सवाल की तलाश है ये एक पूरा कथारसिस है मेरा अपना भी जिसमें मैंने कोशिश की और मैं अभी भी जो शुरू में जो कॉन्सेप्ट इनिशियली मेरे माइंड में था और अभी जो फिल्म है ये बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है पूरा नेगेटिव उसका इवॉल्व हुआ है ड्यूरिंग दिस जर्नी और वो नेगेटिव इवॉल्व हुआ है इन म्यूजिशन से मिलकर इन क्राफ्ट मैन से मिल के इन सब लोगों से मिलकर और इस सारे ट्रैवल ने उस नगरटिव को इवाल्व किया है कि हम इसको किस तरह से देख रहे हैं फिर उससे बड़ा अलमिया ये है कि हमारी जो बेसिकली एक लिमिटेड जो अर्बन जो हमारी यूथ है वो टोटली totally डिसकनिकटिड है इस कल्चर से उनको तो मालूम हाँ, ही नहीं है इन्फॉर्मेशन उन... ही नहीं है अच्छा खैर अरबन जो यूथ है जवाब मुझे लगता है कि उनका भी उनकी भी कोई गलती इसमें नहीं है क्योंकि उन तक वो पहुँचाई नहीं गई है अब सारंदा हो गया या बोरंदा हो गया ये या सपेरे जो बीन बजाते थे थर में सहराय थर में हाँ, हाँ. क्या वो इंस्टाग्राम पे हैं वो ट्विटर पर भी नहीं है अनफॉर्चुनेटी फेसबुक पर भी नहीं होंगे या बनाने वाले जो हैं वो उनकी चॉइस ही नहीं रही है जहाँ पे कंटेम्प्रेरी हमारे बहुत सारे ऐसे म्यूज़िकल हाउसेस बन गए हैं जो कि नए नए फ्यूजनस को लेकर आ रहे हैं लेकिन पाकिस्तान में अभी काम तो हो रहा है लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या आपको अपनी इस फिल्म इंडस ब्लूज से पता चला कोई जवाब मिला कि आखिर हमारे जो साज इतने पाकिस्तान में हैं और बजाने वालों की तादाद कम हो गई आखिर क्या वजह है और क्यों नहीं हुकूमती सतह पर बात करें या वैसे भी इजतमाही तौर पर बहसीत कौम हमारी क्या ज़िम्मेदारी आती है या वो लोग जिनका जिनको अच्छा लगता है मौसी बजाना उनकी क़दर करना जिनके अंदर वो एक एक ऐसा विजन है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई सव, इस सवाल का जवाब मिला आ, बेसिकली uh, जो इस सवाल का जवाब है उसी की तलाश है लेकिन जो uh, जो मैंने जो पर्सनली जो मेरी इस उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन है तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि देखिए ग्लोबलाइजेशन होती है hmm. दुनिया के अंदर हो रही है ठीक hmm. है कि uh, आप इस इस फिनिना को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं बट द थिंग इज कि वो अपना कल्चर भी सेव कर रहे हैं hmm. वो म्यूज़ियम्स बना रहे हैं hmm. वो स्टेट लेवल के ऊपर इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं ठीक है, है? Hmm. हमारे यहाँ जो ग्लोबलाइजेशन है उसने ठीक है भाई आ, हम आ, जो है मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जाएंगे, हम कीबोर्ड की तरफ जाएंगे हम टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे हम उस तरफ नहीं जाएंगे ठीक है लेकिन हमारी उसकी प्रिजर्वेशन के लिए जो है सबसे पहले तो हकूमती सतह के ऊपर कोई इस तरह का एक दाम नहीं उठाया जा रहा है हमारे यहाँ कोई म्यूज़िक का और स्पेसिफिक अकेडमी सही से नहीं है क्लासिकल आ, और फोक जो हमारे जो म्यूजिशंस हैं उन तो उसके सीखने के वाले से कोई इंस्टीट्यूट नहीं है मैंने अगर, अगर अभी सरोज सीखना है या मैंने सरंगी सीखनी है तो मेरे पास मुझे नहीं पता मैंने कहा इंडिविजुअली मैं शायद उस म्यूजिशियन को जो है मैं जुहेब को कांटेक्ट करूंगा जो कि सरंगी प्लेयर है लेकिन कोई अदारा उस तरह से नहीं है और जुहेब खुद भी कह रहा होता है कि हमारी मैं कब तक इसको लेके चलूंगा ठीक है एक सास जिसे एक सास जिसे सीखने में मुझे सोलह साल लगे हैं ठीक है और उसके बाद भी मुझे रिवार्ड नहीं मिल रहा हम चार साल की डिग्री लेते हैं हाँ, फिल्म की हाँ। ठीक है और उसके बाद हम कहते हैं कि बस यूनिवर्सिटी से अभी निकले ना हमारी जो है फीचर फिल्म बन जाए वो हिट भी हो जाए और हम जो है वो सब कुछ हमें जो है वो मिल जाए तो सिर्फ वो चार साल हैं ठीक है इधर एक म्यूजिशियन अपनी ज़िंदगी दे देता है बीस साल तीस साल चालीस साल दे देता है ठीक है चालीस साल देने के बाद अगर आपको वो इज्जत ना मिले

चले आई मीन I mean कि थोड़ा सा आप शहर से बाहर निकलते हैं थोड़ा सा रिमोट एरियाज में आप जाते हैं और वहाँ पे जो एक जो ये पूरा एक है कि भाई मरासी तो बड़ा के मरासी बनेगा या क्या मरासी अब है हम... है, मरासी का अगर आप हिस्ट्री में जाए ठीक है मिरासी मिरास से निकला मिरास से निकला ठीक है ये मतलब आपने आपने किस तरह इसको इसको अपनी विरासत में ऑन करने वाली बात है ठीक है और अब वो एक गाली बन चुका है गलत नैरेटिव्स बन गए हैं चीजों के है, मतलब वो इस तरह से उसको जो है वो चेंज किया है अब मुझे बताए कि वो जिसने अपनी जिंदगी दे दी और उसके बाद सारी जिंदगी एक तो उसने बातें सुनी इज्जत ना मिली दूसरा उसने कुछ कमाया भी नहीं हमेशा एक सर्वाइवल की जंग रही ठीक है और उस कशमा कश के अंदर और अपनी जिंदगी जिसको वो लगता है कि जाया कर दी तो वो आ, अपनी जनरेशन को आगे क्यों सिखाएगा बिल्कुल बिल्कुल ये तो ये तो नहीं सिखाएगा बिल्कुल हाँ। ये तो एक अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ा जो है वो एक अलमिया हो गया हमारे मुल्क में और इंडस ब्लूज़ जो है वो इस मूवी में आपने दिखाया और एक अच्छी खासी जो है इसमें मेहनत का जो है वो सामने नज़र आती है और बहुत कुछ जो है वो सीखने का भी मौका मिलता है जानने का भी मौका मिलता है कि पाकिस्तान में कितने साज हैं बजाने वाले कितने रह गए हैं और कितने आले जो हैं आलत कितने हैं और वो कितने महदूद जो हैं वो महदूद कोांटिटी में जो है वो रह गए हैं अच्छा जवाब आगे चलते हैं सेगमेंट का जो है टाइम भी रैपअप करना है मुझे ये बताइएगा कि इंडस ब्लूज की कामयाबी के बाद जो है फिर नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट जो है वो फिर कौन सा आया बेसिकली uh, अभी मेरी uh, दो फिल्में आ चुकी हैं जो कि क्लाइमेट के शुक्र येस एग्जैक्टली क्लाइमेट कहानी हाँ जी क्लाइमेट कहानी हमने एक इनिशिएटिव था आप क्लाइमेट वाली एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे हमेशा पर्सनली उसने अफेक्ट किया उसकी वजह ये थी कि आई एम एसमेटिक तो मुझे सांस का एक मसला ठीक है और और मसल मैंने काफी वक्त गुजारा हाइकिंग करते हुए माउंटेंस में नेचर के अंदर एंड आई एम वेरी आई मीन काइंड ऑफ पर्सन जो नेचर का जाते हैं स्पिरिचुअलिटी ढूंढता है तो मुझे जो है ना बेसिकली जब मैंने देखा कि यार इसी नेचर को हम तबाह कर रहे हैं हम हम जिस हम जिस राह पे चल पड़े हैं तो मुझे लगता है कि शायद अभी आगे आने वाली जो नस्लें हैं उनको आ, ये चीजें دستیاب ही नहीं होंगी और दुनिया में जो इस वक्त पूरा एक इस वक्त जो दे क्लाइमेट सिचुएशन बन चुकी की है बिल्कुल कि आप ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड फायरस देख लें हर कि साल। कितने करोड़ों जानवरों की डेथ हुई कितना ज्यादा नुकसान हुआ कितने درخت जल गए टकी के अंदर वाइल्ड फायर अभी पिछले दिनों हाँ ठीक है कैलिफोर्निया के अंदर पूरी दुनिया के और पाकिस्तान में भी और फिर उसके साथ ये जो पूरे सुनामी आ रहे हैं ये तूफान आ रहे हैं ये विंड स्ट्रॉम आ रहे हैं फ्लडिंग हो रही है ये सब कुछ क्या हो रहा है क्लाइमेट चेंज है और ये जमीन आई I मीन mean के जिसको जिसकी हम इतनी ऑनरशिप लेते हैं और हमारे यहाँ तो हम ज्यादा ही कुछ ज्यादा ही करते हैं ownership लेकिन, वहीं ही दरख्तों को भी काटेंगे वहीं पहाड़ों पर भी कंस्ट्रक्शन करेंगे, करेंगे बिल्कुल और जब वो जमीन नहीं रहेगी वो लिवेबल नहीं रहेगी उसकी वो कंडीशन नहीं रहेगी तो आपके सारी चीजें तो साइट पर रह जाएंगी जब आपकी जब आपके पास वो ऑक्सीजन नहीं रहेगी लाहौर में मैंने फिल्म की द कलर ऑफ स्मोक अब फिल्म का टाइटल है द कलर ऑफ स्मोक स्मोक इज कलर लेकिन उसका टाइटल हमने रखा दी कलर ऑफ स्मोक ठीक है अब वो फिल्म थी बेसिकली कि किस तरह जो स्मोक वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है किस तरह आपकी जो ब्रीथिंग है आपको अफेक्ट कर रहा है आपको लंग्स के इशू हो रहे हैं आपको जो है वो सांस के मसाइल हो रहे हैं और अभी ये इशू है कि आप कह रहे हैं कि आप घर से बाहर ना निकलें और आपको जो है वो ऑक्सीजन जो है वो लेनी है तो ये जो जो जू बढ़ता जाएगा और हमने इसको इस जगह ना रोका तो आगे क्या होगा बिल्कुल तो इन सारी चीज़ों को इतने बड़े मैसिव इशू को जो है मद्देनजर रखते हुए आपने ये एक मूवी बनाई एंड वंडरफुल क्लाइमेट कहानी जो है अच्छा अब कुछ बात करते हैं नए प्रोजेक्ट्स जो है आने वाले दिनों में कौन कौन से प्रोजेक्ट जो हैं जो कि जवाब शरीफ फिल्म के बैनर तले हमें देखने को मिलेंगे या वो जो यंग इंस्पायरिंग फिल्मे ज़ें आना चाहते हैं आ, उनको जो है वो कुछ सीखने का मौका मिलेगा नए प्रोजेक्ट्स कौन से पाइपलाइन में अच्छा बेसिकली देर आर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जिन पे मैं काम कर रहा हूँ और uh, एक तो जो प्रोजेक्ट है मैं uh, कराची में पिछले कुछ इट्स बीन फाइव ईयर्स नाउ और उस पर मैं काम कर रहा हूँ वन ऑफ माई फ्रेंड और मैं उसकी पूरी जो जर्नी है उसको फिल्म कर रहा हूँ सो यस सो इट्स इट्स द प्रोजेक्ट इज़ अबाउट जेंडर Oh, so, हाँ, तो, I mean, के उसको ले जेंडर तो बड़ा ही आपने जो है ट्रिकी <laughs> कॉन्सेप्ट है, है जेंडर की जब भी बात करें औरत मार्च आने को है हाँ, और औरत मार्च पे सोचा है कभी ऐसे भी कोई फिल्म बनाई जाए डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए इस पे भी क्योंकि ये तो टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है पिछले कुछ चंदर बिल्कुल औरत मार्च पे कुछ फिल्में जो है वो बनी भी है बन भी रही है लेकिन जिन्स

उसमें वो डेप्थ नहीं है वो इंटी मिसी नहीं है नहीं। वो कनेक्शन नहीं है नहीं। कि आप उसको समझ सके ठीक है आप वो बड़ी सतही लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा तो वो जो है ना वो जो वो एक ह्यूमन जो कनेक्शन जो स्टेब्लिश करना है और उसको समझना है तो दैट इज माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट और मैं उसके ऊपर इट्स oh. उसको ऑन एंड ऑफ फिल्मिंग कर रहा सो प्लान यही है हम uh, रिलीज इसके अलावा क्लाइमेट कहानी जो है वो एक पूरी सीरीज है hmm. इसमें हमने दो फिल्में बनाई हैं एक नतारी है hmm. एक कलर ऑफ स्मोक है जी. अब देर इज अ थर्ड फिल्म जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और uh, वो भी क्लाइमेट uh, के इशू को लेके है वाटर के इशू को लेके है तो ये प्रोजेक्ट है बाकी इसके अलावा आई कीप डूइंग मेरा जो ये प्रोजेक्ट्स हैं या जो पैशन प्रोजेक्ट्स हैं इसको मेरा कमर्शियल जो काम है वो सपोर्ट करता है बिल्कुल तो आई कीप डूइंग म्यूजिक वीडियोस जबरदस्त अभी मैंने जो है वो कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट का, सेक्टर को भी जो है वो आप काम बना के और दे रहे होते हैं अच्छा जवाब बस अब सेगमेंट को रैपअप करते हैं जल्दी से बताइएगा कि ये व्यूज के चक्कर में कभी पड़े मेन कमर्शियल जहाँ पे ग्लैमर है ग्लिट्स है जहाँ पे अच्छे एक्शन भी है फ़ाइट्स भी हैं जहाँ पे बड़ी बड़ा ख़र्चा भी है बिग बजट मूवीज़ कमर्शियल मूवीज़ और वहाँ पर आपकी जो है वो कुछ सीनेटोग्राफ़ी जो है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है नेचर से रिलेटेड है पानी पर बनाने जा रहे हैं खाजा सरा की जो एक मेहनत है एक जो उनकी आवाज़ है और अपने हक़ के लिए जो है वो आवाज़ कब से कितने अरसों से बढ़ाते जा रहे हैं उस पर आप काम कर रहे हैं दरख्तों के ऊपर आपने काम की स्मॉग नेचर और वो जो डाइंग जो हमारे जो आर्ट्स हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं इस पर अक्सर जो है मेरे मेरी बड़ी बहस रहती है लोगों के साथ कि इस पर देखने वाले पसंद करते हैं लेकिन आप कभी उन व्यूज़ की लड़ाई में या उस जंग में रहे कि मुझे व्यूज़ में नहीं मिले या मिलने चाहिए मैं एक्चुअली जो है वो कैरियर के शुरू में जब मैं इस पूरी एक मनाटिनस वो जो थी ना जो नेगेटिव था उससे जो मैं निकला उसकी वजह ये थी कि मुझे इस जंग का हिस्सा नहीं बनना था मुझे उस उस रेस का हिस्सा नहीं बनना था और वो उस रेस और उसी से निकल के क्योंकि मुझे अगर वो ऐसा काम करना है या ऐसे प्रोजेक्ट्स करने हैं जो जो मेरे दिल को छूते हैं तो उसमें मुझे ये नहीं देखना कि व्यूज़ कितने हैं आजकल एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि पब्लिक डिमांड ये है

ठीक है वो अच्छी बात है उसमें बुरी बात नहीं है लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको अपने दिल को अपनी सोच को अपने पैशन को जो है फॉलो करना चाहिए और अगर आप उसको दिल के साथ एक प्रजिस्टेंस के साथ उसको फॉलो करते रहें तो आपकी ऑडियंस खुद बन जाती है जबरदस्त जवाब यंग फिल्म मेकर्स आना चाहते हैं सीखना चाहते हैं उनके लिए क्या एडवाइस होगा आपकी? एडवाइस तो देखें हमारी मेरा ख्याल है सारी गुफ्तू के अंदर ही एडवाइसेस थी मैं खुद सीख रहा हूँ तो मैं इसमें एडवाइस क्या करूंगा लेकिन मेरा वही बात है कि अपनी आइडेंटिटी जो है वो खुद बनाएं अपनी आइडेंटिटी जो है वो खुद जो है वो डेवलप करें क्योंकि अगर वो आइडेंटिटी जो है वो आ, आप किसी को फॉलो करने की कोशिश करेंगे आप स्टीवन स्पिलबर्ग बनने की कोशिश करेंगे या आप टारकोवेस्की बनने की कोशिश करेंगे तो शायद आप उनकी जगह नहीं ले सकते ठीक है तो आपने अपनी अपने आइडेंटिटी खुद क्रिएट अपने करनी है। दिल को ख़ुद फॉलो कर ठीक है ताकि वो ओरिजिनलिटी आए, आए आपके काम में और उसकी एक जगह जो है वो खुद विद टाइमिंग जो है वो खुद बनेगी बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया जवाब थैंक यू इतना मज़ा आया गुफ्तु की थैंक यू सो मच और चूकि हमने इन फिल्मों का जिक्र किया है hmm. चाहे इंडस ब्लूस देखनी है yeah. चाहे नतारी देखनी yes. है द कलर ऑफ स्मोक देखनी है तो हमारा जो youtube चैनल है अब उस पे अभी नंबर्स की बात कर रहे थे बड़े लिमिटेड नंबर्स हैं कोई बात नहीं तो फर्क नहीं पड़ता जो पसंद करता है जो हाँ। वो ज़हन रखता है विजन रखता है वो आ जाएगा देखने तो वो वो उस पे जो है वो देख सकता है उसको और इसके अलावा हमारा instagram पे जवाछरी फिल्म्स okay, का चैनल है तो उसको फॉलो कर सकते हैं और अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है या कोई चीज मिसिंग है तो फील फ्री टू मैसेज अस तो वी विल डेफिनेटली हम उसमें जो रिप्लाई कर सकेंगे और अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया जिसमें आपको कुछ किसी भी तरह की help कोई हेल्प चाहिए कोई एडवाइस चाहिए कोई कंसल्टेंसी चाहिए या जिसमें मुझे लगता है कि यार मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ सो यू आर मोर देन वेल जबरदस्त जनाब वो मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो सारी जिंदगी ऐसे ही रहते हैं कि कहीं पर कोई गाइडेंस की जरूरत हो बगैर कोई सोचे समझे दे देंगे वो नहीं कि अब तो हम कमर्शियल हो गए हमारी मूवी चल गई हमें अवार्ड मिल गए अब तो बस जी कुछ ऐसे नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल आपका करेंगे और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया जवाज शरीफ अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद थे ये सेशन आपने हमें ज्वाइन इन किया फेसबुक पर भी यूट्यूब पर भी और जरूर इस वक्त जो हमें रेडियो लाइव सुन रहे हैं ड्राइव टाइम प्रोग्राम है कंटिन्यू रहेगा शाम सात बजे तक आखिर में इस सेगमेंट को रैपअप करते हैं फिर जाएंगे कमर्शल ब्रेक पर एक जबरदस्त सा गाना लगाते हैं और ये साल दो में रिलीज हुआ था नन्हे हाथों में कलम आयमा बेग की आवाज़ में है म्यूजिक प्रोडक्शन बाय साहिर अली बगा इसको डर किया था खुद जवाद शरीफ ने इस गाने के साथ साथ सेगमेंट को रैपअप करते हैं मिलते हैं आपसे थोड़ी ही देर में स्टेट्यून शाम बखे